दरवाजा खोलिए, आप दरवाजा खोलिए, मैं बोल रहा हूँ आपको। ये क्या है ये फिर? कॉर्पोरेशन कमिश्नर को जो है तो हमारे लिए गिफ्ट देने का है। ये खोलो, आप ये दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये कॉर्पोरेशन कमिश्नर को जो है आप सुन रहे हैं, कॉर्पोरेशन कमिश्नर को ये है। अरे दरवाजा खोलिए, आप दरवाजा खोलिए, आप दरवाजा खोलिए, मैं बोल रहा हूँ आपको। ये क्या है ये फिर? वो नोएडा के अंदर सात महीने की बच्ची को कुत्तों ने मार दिया, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? ये इस तरीके का यहाँ पे नहीं हम होने देंगे। और ये कुत्ते का बच्चा कहाँ से आया? आप लोग बोल रहे कि नसबंदी करे करके, ये कहाँ से आया फिर? हम लोग महानगर पालिका कमिश्नर को आज ये बच्चा लेकर आए, कल हम कुत्ते ला के पूरे बच्चे ला के यहाँ गाड़ी में डाले। आप गेट खोलिए। औरंगाबाद महानगर पालिका ये ऐलान कर रही है, हर साल हजारों लाखों रुपए कुत्तों की नसबंदी के ऊपर खर्चा किया जा रहा है। कई कई जो है तो ऑफिसर्स उस डिपार्टमेंट में लगा दिए जा रहे हैं, मगर औरंगाबाद के अंदर शहरों में हमने देखा है कि हजारों के तादाद में कुत्ते घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम कुत्तों की नसबंदी कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो ये बच्चा कहाँ से आए? और ऐसे कई बच्चे औरंगाबाद शहर में घूम रहे हैं जो न जाने कई जानवरों को और बच्चों को अपना जुल्म का शिकार बना रहे हैं। तो मैं आज हम इम्तियाज जलील साहब की क़ियादत में महानगर पालिका के कमिश्नर को हम ये कुत्ते का बच्चा गिफ्ट करने के लिए आए। हम उनको ये बताएंगे कि ये कहाँ से आया और आप लोग इतना पैसा किन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं। मेरे कायद इम्तियाज जलील साहब ने पहली ट्वीट किया और ये कहा म्यूनसिपल कमिश्नर को कि इस चीज़ पर कार्रवाई की जाए। हम उस मुहिम को आगे बढ़ा के इस तोहफे को हम म्यूनसिपल कमिश्नर को देने के लिए आए हैं। क्यों म्यूनसिपल कमिश्नर की हाथी में लाखों रुपए खर्चा होता है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? मैं म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आज हमने ये तुमको तोहफा देने के लिए लाया है, अगर इस पर कोई काम और कार्रवाई नहीं होगी तो याद रखिए हम आपके ऑफिस के अंदर, चाहे हमको कितना भी रोका जाए, कितना भी टोका जाए, या आपका बल प्रयोग करिए, हम लोग आपके ऑफिस के अंदर कुत्तों के एक बड़ा झुंड को लाकर आपके ऑफिस मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन।